जैसे कि आप सभी को पता है दिवाली आ गई है। दिवाली पे सब कई तरीके के स्नैक्स बनाते हैं और कई चीज़ें बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल पे लेके आई हूँ मीठे पारे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाते हैं, इनमें टाइम की बहुत कम लगता है। तो चलिए ये देख लेते हैं कितने बढ़िया मीठे पारे। ये देखिए तोड़ के दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए कितने खस्ता हैं और बहुत ही मुँह में जाते ही आपके ये खुल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक प्लेट में हम लेंगे एक कटोरी मैदा। तो यहाँ एक कटोरी मैंने मैदा ले ली है और फिर क्या करेंगे, डेढ़ कटोरी, आधी कटोरी और ले ली है मैंने। अब उसी कटोरी में हम क्या करेंगे, एक कप दूध लेंगे और दूध में हम डालेंगे शक्कर। तो यहाँ मैं शक्कर डाल रही हूँ, यहाँ मैंने दो ढक्कन शक्कर डाली है, मतलब दो कटोरी। आप की अगर उसकी मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ खाना सोडा आधी चम्मच, और थोड़ा सा नमक डाला है इसलिए हमारे जो मीठे पारे हैं काफ़ी बढ़िया लगेंगे इसमें नमक डालने से। थोड़ा सा नमक डालें, ज़्यादा नहीं। और फिर इसमें हम डालेंगे घी जो मैंने मेल्ट कर लिया था, आप इधर ऑयल भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका मैं डाल के बढ़िया तरीके से। नमक हमने इसमें इसलिए डाले हैं मीठे पारे में कि जो ये टेस्ट आता है ना, नमक डालने से अलग ही टेस्ट आता है इसमें। अब मोन डाल के हम इस तरीके से कुछ बंधने लग जाए ना, तब समझिए ये हमारा रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे दूध जो मैंने शक्कर डाल के मिला लिया था अच्छी तरीके से, इसको मैंने शक्कर को मिला लिया था इसमें, और इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें शक्कर को पीस के भी डाल सकते हैं, शक्कर पीस के ये फटाफट से घुल जाएगी। और ये शक्कर है, शक्कर घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने शक्कर ही डाल दी थी और शक्कर को अच्छे से घोल लिया था। अब उसी से ये मेरा पूरा डो मड़ गया है। अगर आपका ज़्यादा हो, नहीं मड़े, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और इस तरीके का हमें आटा चाहिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा मड़ा है। अब इसके दो पेड़े बना लेंगे हम, बीच में से तोड़ लूँगी मैं। और ऐसे पहले हम आटे को अच्छे से सेट कर लेंगे, अच्छे से बढ़िया से, ये देखिए। फिर इसको दबाएंगे इसमें। अब यहाँ पे इसको हम बेल लेंगे, तो यहाँ हम इसको बेल लेते हैं अच्छे से सेट करने के बाद, ये देखिए ऐसे बेल लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं मोन लगाया है, तो मोन इसमें थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ये फटेंगी साइड से इसकी, तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसको बेलने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो साइड्स है ना उसको हम कट कर लेंगे ऐसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। चारों तरफ कट करने के बाद जो इसके साइड के हम इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसों में कट करेंगे। तो थिकनेस देखिए इसकी मैंने कुछ इस तरीके की रखी है। अब नाइफ की सहायता से हम ऐसे इसको कट कर लेंगे, ये देखिए पतली पतली हमें कट करना है ये ऐसे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाऊँ इसकी थिकनेस कितनी है, कितनी मोटे हैं ये। और ये बढ़िया से हमारे पारे अभी बन के रेडी नहीं हुए हैं, अभी कट के रेडी हुए हैं ये मीठे पारे। इसको सारे हम बना के ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। अब चलिए आइए इनको करते हैं बढ़िया सा फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम गैस को कर देंगे कम बिल्कुल, फिर इसमें हम अपने मीठे पारे डालेंगे। पहले हम तेल को अच्छा गर्म कर लें, फिर इसकी गैस की फ्लेम को कम कर दें और फिर इसमें पारे डालें, क्योंकि इसे हम बिल्कुल कम फ्लेम पे बनाएंगे सेकेंगे। इससे क्या होगा, ये अंदर तक अच्छे से सेकेंगे, क्यों पारे हमारे थोड़े मोटे हैं इसलिए इन्हें हमें कम फ्लेम पे सेकना है, और अच्छे से अंदर तक बाहर तक ये बढ़िया से सिक जाएंगे। इसको हम चला के देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको चला लेंगे और बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको चलाते रहेंगे और सेकते रहेंगे, और बिल्कुल मीडियम कर देंगे गैस को। तो ये देखिए ये सेक सेक के हमारे कितने बढ़िया कलर आ रहा है इसमें। और आप चाहें तो इसमें तिली भी डाल सकते हैं, तिली से इसमें टेस्ट और भी काफ़ी बढ़िया आ जाएगा। तो यहाँ मैंने नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और फिर इसमें ये देखिए कितना बढ़िया हमारी सिक्की रेडी हो गए हैं मीठे पारे। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, इसलिए एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें निकल जाएगा। तो ये बढ़िया से मीठे पारे हमारे बन के रेडी हो गए हैं इस दिवाली के लिए। तो आप भी अपने घर पे पुराने तरीके से अगर मीठे पारे बनाते हैं तो उसका तरीका बदलिए और इस तरीके से बनाइए, काफ़ी टेस्टी बनेंगे।
तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। धन्यवाद आप सभी से, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और बढ़िया से ये हमारे मीठे पारे बनके रेडी हो गए हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, धन्यवाद। तो ये खस्ता खस्ता पारे हमारे बनके रेडी हैं।